नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज 18 में और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बड़नगर क्षेत्र में चल रहे अवैध कार्य के समाचार प्रकाशित करने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई नहीं करने से पत्रकारों द्वारा आज बड़नगर SDM कार्यालय पहुंचकर पत्रकारों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र में चल रहा है लंबे समय से अवैध कार्यों पर प्रतिबंध के बावजूद क्षेत्र में अवैध रूप से बोरिंग का कार्य और अवैध उत्खनन कार्य बड़े जोर शोर से चल रहा है। इस संबंध में क्षेत्र के पत्रकारों ने अपने समाचार पत्रों में व चैनलों में समाचार प्राथमिकता से प्रकाशित करने, इस संबंध में समस्त संबोधित अधिकारियों व वध करवाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई, किंतु आज तक अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं पत्रकार द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर समाचार प्रकाशित करते हैं, इसके बावजूद भी अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अवैध धंधा बाजों हौसले के बुलंद होते जा रहे हैं। आज पत्रकारों द्वारा कलम को अधिकारी को देकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। हाँ, मीडिया द्वारा दिया गया ज्ञापन अवैध कार्य के संबंध में ललित जो आता आगे वरिष्ठ कार्यालय को हम पहुंचा दें। थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध रूप से बोरिंग करने का कार्य करीब 10 से 15 मशीनों द्वारा किया जा रहा है। बोरिंग दिन व रात में दोनों समय किया जा रहा है। अवैध धंधोबाजों द्वारा किसानों से बड़े दामों पर रुपये लेकर अवैध रूप से बोरिंग किया जा रहा है। बड़नगर से राहुल पौराणिक की रिपोर्ट।